हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल पेस्ट्री, लेकिन हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल। तो चलिए बनाते हैं पेस्ट्री। तो फ्रेंड्स, पहले हम बनाते हैं प्रीमिक्स। तो प्रीमिक्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल और छन्नी ली है। उसके अंदर हम डालेंगे एक कप मैदा, और मैदा मैंने एकदम भर के नहीं लिया है, इस तरह से मेजर करके लिया है। और हम डालेंगे उसमें आधा कप पिसी हुई चीनी। मीठा थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह से हमें सब सामान मेजर करके लेना है। और डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से हमारा स्पॉन्ज बहुत ही टेस्टी बनता है। और डालेंगे बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। कॉन्सेंट्रेट पाउडर डालेंगे हम 2 टेबलस्पून। और इसी से ही हमारा स्पॉन्ज एकदम मार्केट जैसा यानी बेकरी स्टाइल बनेगा। इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से छान लेंगे। आप मिक्सी में भी इसे थोड़ा सा पीस सकते हैं 1 मिनट के लिए, तो उससे भी ये सारी चीजें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएगी। तो फिर से इसे मिक्स करेंगे और फिर से मैं इसे दूसरे बोल में छान लेती हूँ। मैंने इस प्री मिक्स को 2 बार छाना है। आप मिक्स में करोगे तो एक ही बार छानोगे। मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 6 इंच का केक टिन लिया है, इसे ग्रीस करेंगे। उसी साइज का बटर पेपर मैंने काट के लिया है, इसके अंदर डालेंगे और उसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम केक के लिए बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल 2 टेबलस्पून। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे पानी और एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें, और एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करते हुए हमें बैटर बनाना है। अब मैं इसमें डालूंगी पाइनएप्पल इमल्शन। अगर आपके पास इमल्शन नहीं है तो आप एसेंस भी डाल सकते हैं, और अलग से कलर। देखिए, इस तरह का बैटर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं चाहिए। मैं इसे टिन में डाल देती हूँ। मैं गैस पे केक बेक कर रही हूँ, तो मैंने गैस पे पतीला प्री हीट करने के लिए रख दिया है। इसे टैप करेंगे और इसे बेक करेंगे लो फ्लेम पे 35 से 45 मिनट के लिए। अब हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मेल्टेड व्हिप क्रीम ली है। ये ठंडी भी होनी चाहिए और मेल्टेड भी होनी चाहिए। तो आप फ्रीजर से निकाल के इसे नीचे फ्रीज में रख दीजिए, तो अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगी और ठंडी भी रहेगी। अब हम इसे बीट करेंगे जब तक कि ये डबल साइज की ना हो। हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है, डबल साइज की हो चुकी है। देखिए, इस तरह से हमें क्रीम को बीट करना है। मैं बोल को भी हिला रही हूँ तो नीचे नहीं गिर रही, तो हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी क्रीम निकाल लेती हूँ एक दूसरे बोल में। थोड़ी सी येलो कलर की क्रीम चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिए हैं 3-4 ड्रॉप येलो कलर के। और इस तरह का मैंने स्टार नोजल लिया है और इसे पाइपिंग बैग में मैंने डाल के रखा है। अब मैं क्रीम को इस पाइपिंग बैग में भर लेती हूँ। केक बेक होके ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ टिन से बाहर, थोड़ा सा साइड से
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश लिया है 2 टेबलस्पून। इसके अंदर हम डालेंगे ग्लेज जेल या फिर न्यूट्रल जेल भी बोलते हैं, 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने। अगर ये आपको थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें आप 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। बनके तैयार है। इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने दीजिए और बाद में ही कट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हो गई हमारी रेसिपी तैयार। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।